कौन रहते हैं? व्यापारी लोग। सो व्यापारी लोग कहाँ गुजारते थे? रेगिस्तान में गुजारते थे। तो रेगिस्तान से जाते समय रेगिस्तान का वहाँ का वातावरण कैसा था? गंदगी सा था। सो इसलिए क्या किए वो? दिन के बिना रात में करते थे, है ना? सो ऐसे ही एक दिन क्या हो गया, वो रास्ता भटक गए। क्या हो गए? भटक जाना माने क्या है? भूल जाना। ओके, भूल जाना, ठीक है। तो ऐसे रास्ता भूल गए तो दिन हो गया। तो दिन होने से क्या हुआ था? दिन के समय में जो यात्रा करते हैं, गर्मी का मौसम है तो उनके पास क्या नहीं था? पानी, एक बूंद सा भी पानी नहीं था। तो इसलिए क्या करते थे वहाँ के व्यापारी लोग? नेता को देखकर वे रात में जर्नी करते थे। सो रात में रास्ता भटक गए। सो दिन के समय में यात्रा करते थे, क्या किए? गर्मी का मौसम था तो सभी लोगों ने क्या किया? नेता पर चिल्लाने लगे। क्या करने लगे? चिल्लाने लगे। चिल्लाने का अर्थ क्या है? शाउटिंग, ठीक है। तो किस पर चिल्लाने लगे? नेता पर चिल्लाने लगे। सो ऐसे ही तब क्या किया नेता ने? सोचा। सोच कर क्या किया? क्या देखा उन्होंने इस समय? क्या दिखाई दिया? घास का तिनका। क्या दिखाई दिया? घास का तिनका, ठीक है। सो घास का तिनका दिखाई दिया, लेकिन वहां पर सोचा कि घास का तिनका है, यहाँ पर पानी होगा करके सोचा था। तो क्या किया? वहां पर पानी के लिए वो खोदने लगे। वहां पर एक क्या दिखाई दिया? पत्थर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? पत्थर दिखाई दिया। ऐसा पत्थर दिखाई दिया। सो वहां के लोग, पत्थर आया तो पानी नहीं आया करके फिर वहां के लोग नेता पर चिल्लाने लगे। फिर क्या किया नेता ने? वहां पर कोशिश नहीं स्टॉप किया। फिर क्या किया? ठीक है, पत्थर को भी फोड़ देंगे। क्या है? पत्थर को भी फोड़ देंगे। ऐसे पत्थर को भी फोड़ने लगा तो क्या हुआ? पानी आने लगा। पानी ऊपर आने लगा, ठीक है। तो क्या किया? हिम्मत से काम लिया, है ना? बुद्धि से काम लिया, ठीक है। तो होशियार से सोचना चाहिए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम के तेजेश्वर है, मैं सातवीं कक्षा को पढ़ता हूँ। आज मैं प्यासा कौवा कहानी बताऊंगा। एक कौवा बहुत प्यासा था, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। वह एक घड़े दिखाई दिया, घड़े में पानी बहुत कम है। कौवा पानी नहीं पी सका। उसका एक सोचाया, फिर उसे कंकड़ उठा उठा कर घड़े में डालने लगा। पानी ऊपर आया, कौवा पानी पी कर उसका प्यास बुझाया गया है। नीति होशियार से काम लेने। सफलता का मंत्र, यहाँ सफलता का अर्थ सक्सेस है। जो सफलता के लिए हम कितनी कठिनाई समय भी हो, कितनी कठिनाइयां भी आए हो, उसका सामना करना चाहिए। यही ना हम जाने हैं इस पाठ में, है या नहीं? तो इसके तेजेश्वर भी एक कहानी बताई, प्यासा कौवा। सो तेजेश्वर ने भी बताया क्या है? होशियार से काम लेना है करके, है ना? तो आप भी इस पाठ का अर्थ जानते हो ना, ठीक है। सो कौन से पाठ के बारे में हम बातचीत किए हैं? कौन से पाठ के बारे में? सफलता का मंत्र। या सफलता का मंत्र, ठीक है सिरा। तो इस पाठ में जो व्यापारी के लोग बताए थे, व्यापारी लोग कहाँ गुजारते थे? रेगिस्तान में। ठीक है,
ठीक है, वेरी गुड, रेगिस्तान। ठीक है, उन व्यापारी लोगों के पास क्या थे? ऊंट और बैल भी थे। वेरी गुड, ठीक है, सिर्फ ऊंट और बैल भी थे। ठीक है, इन्होंने किस समय में यात्रा करते थे? रात के समय। ठीक है, क्यों? क्योंकि डे टाइम में बहुत गर्मी होता था। गर्मी, गर्मी का अर्थ क्या है बानो? गर्मी का अर्थ क्या है? हॉट। गर्मी का अर्थ क्या है? हॉट। ठीक है, ठीक है। उन व्यापारी के पास क्या नहीं था? एक बूंद तक भी नहीं था। क्या हो? पानी। पानी, ठीक है, वेरी गुड, सिर्फ पानी नहीं। ठीक है, व्यापारी लोग किसको चिल्लाने लगे? किसको चिल्लाने लगे? नेता। नेता पर, ठीक है। सो नेता क्या सोचने लगा? ठीक है, नेता को क्या दिखाई दिया? घास का तिनका। घास का तिनका, वेरी गुड। घास का तिनका का अर्थ क्या है? कुछ एग्जांपल, उदाहरण बता सकते हो आप? किसको कहते हैं घास का तिनका? इसको। हाँ, ग्रास। ग्रास को घास कहते हैं। ठीक है, ओके, तिनके, घास के तिनके। ठीक है, जो घास के तिनके थे तो क्या सोचा नेता ने? शायद यहाँ पर पानी होगा। ठीक है, पानी होगा। अगर पानी के लिए क्या किया? हथौड़ी लेकर मारने लगा। हथौड़ी माने क्या है? हैमर। हैमर, किसको हथौड़ी कहते हैं? पत्थर को फोड़ने लगा। पत्थर फोड़ने से पानी।